I love you. सो ही गाइस, सो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू स्टेटस वीडियो को बनाएंगे। तो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना है। तो अगर आप मेरे वाला लाइट मोशन डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से आप बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। सो वीडियो एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, लाइट मोशन में जाना है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब यहाँ पे आपको लाइट मोशन में आना है, प्लस पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है 916 के साइज में। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है, यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है। अब आपको अपनी फोटो को ऐड करना है, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है और फोटो को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ऊपर शेयर वाला आइकन पे क्लिक करना है और अपनी वीडियो को यहाँ पे अपनी फोटो को करंट फ्रेम एजपीएनजी को सिलेक्ट करके स्पोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे फोटो को सेव कर लेना है। फिर इस फोटो को डिलीट कर देना है एंड प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, नेक्स्ट फोटो को एड करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है और यहाँ पे जो है अपनी फोटो को अच्छे से एडजस्ट करके फिर ऊपर शेयर का आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एजपीएनजी को सिलेक्ट करके स्पोर्ट पे क्लिक करना है। थोड़ी देर वेट करके आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। इसी प्रकार से जो है टोटल आपको क्या करना है, आपको टोटल अपनी फोटो को क्रॉप कर लेना है 16 फोटो को। ओके, तो 16 इमेज को आप जो है यहाँ पे क्रॉप करके सेव कर लेना। तो अगर जल्दी जल्दी मैं 16 फोटो को क्रॉप करके सेव कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो जैसे आप फोटो को क्रॉप कर लेते हैं, यहाँ से आप बैक आ जाना है और यहाँ पे इस वाले जो है प्रोजेक्ट को डिलीट करके बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस फोन मतलब जो है, जैसे आप इसको मतलब ओपन कर लोगे, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब कुछ नहीं करना है, स्लाइड करके आपको आगे आ जाना है। यहाँ पे आपको लेयर्स दिखाई देगा, 5 सेकंड पे आपको पहले नीचे आ जाना है। ओके, इस प्रकार से अब यहाँ पे आपको लेयर दिखाई देगा, इस प्रकार से आपको घींच के दो उंगली से इसको बड़ा कर लेना। ऐसे ये होगा कि इसमें जो टैक्स है वो आपको सही से दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखो, आपको सबसे पहला वाला लेयर पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पर क्लिक करके मीडिया नॉट फाउंड पर क्लिक करना है, ऊपर आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है, आपने जो फोटो को क्रॉप किया इस प्रकार से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है, जो भी आपने फोटो को क्रॉप किया उस फोटो को। ओके, तो यहाँ सो यहाँ पे देख सकते हो, फिर आपको सिलेक्ट करके आगे जाना है और यहाँ पे इसमें भी लिखा हुआ है फोटो वन, तो आपको कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, मीडिया नॉन फोन पे क्लिक करके वही सेम फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। क्योंकि इन दोनों लेयर में फोटो वन लिखा हुआ था, इसलिए हमने इन दोनों लेयर में फोटो वन को एड कर लिया है। अब सिलेक्ट करके आगे जाएंगे, इसमें लिखा हुआ है फोटो टू, इस पर क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल पर क्लिक करके मीडिया नॉन फोन पर क्लिक करेंगे, सेकेंड फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देंगे। अब फिर लिखा हुआ है फोटो थ्री, तो हम क्या करेंगे, इस लेयर में अपना तीसरा फोटो को ऐड कर लेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, अगर फोटो में मतलब लेयर में टैक्स चेंज हो रहा है तो आपको फोटो चेंज करना है, अगर नहीं हो रहा है तो आपको नहीं करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे फोटो थ्री लिखा हुआ था, मैंने फोटो चेंज कर दिया। अब यहाँ पे फोटो फोर लिखा हुआ है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो अपना चौथा फोटो है उसको सिलेक्ट कर लूँगा फोटो चेंज करके। अब जो आगे लेयर है इसमें भी फोटो फोर ही लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, अब इसमें भी वही फोटो एड करूँगा जिसमें मैंने इससे पहले वाले लेयर में जिसको मैंने एड किया था इसमें। ओके ओके, जैसे कि आप लोग, ये दोनों में फोटो फोर लिखा हुआ था, दोनों में मैंने फोटो फोर एड कर लिया है। अब सिलेक्ट करके आगे जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो फाइव, इसमें हम फोटो फाइव को ऐड कर लेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से। उसके बाद फिर इधर भी फोटो फाइव है, तो इसमें भी हम फोटो फाइव को ऐड करेंगे इस प्रकार से। तो जितना लेयर में मतलब सेम टैक्स रहेगा, आपको सेम फोटो एड करना है। फिर टैक्स चेंज होगा, फोटो सिक्स आया, तो हम यहाँ पे फोटो सिक्स ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से। अब यहाँ पे फोटो सेवन है, तो यहाँ पे फोटो सेवन ऐड कर लेंगे इस प्रकार से। ओके, तो टैक्स चेंज होगा तो आपको फोटो चेंज करना है, टैक्स चेंज नहीं होगा तो आपको फोटो चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे फोटो एट आया, मैंने फोटो एट को ऐड कर लिया इस प्रकार से। अब फिर सेम आगे फोटो एट है, तो इसमें भी मैं फोटो एट को ही ऐड करूँगा सेम। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से। एंड फिर यहाँ पे फोटो नाइन है, तो इसमें फोटो को चेंज कर दूंगा इस प्रकार से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से। एंड फिर यहाँ पे फोटो नाइन है, तो इसमें मैं वही सेम फोटो को ऐड करूँगा इस प्रकार से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इसमें फोटो 10 लिखा हुआ है, तो इसमें फोटो को 10 ऐड करूँगा, इस मतलब फोटो 10 को ऐड करूँगा इस प्रकार से फोटो चेंज करके। फिर इसमें 11 है, तो इसमें 11 चेंज करूँगा इसी प्रकार से। आपको अगर टैक्स चेंज हो रहा है, तो मैंने आपको यही बोला है कि टैक्स चेंज हो रहा है, अगर नंबर चेंज हो रहा है तो आपको फोटो चेंज करना है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको नहीं करना है। तो इधर यहाँ पे 11 है, तो इधर 12 है, तो इसमें मैं इस प्रकार से फोटो को चेंज करके लगा दूँगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से। फिर आगे फिर सेम है, मतलब वही 12 है, तो इसमें भी मैं यहाँ पे इसी को सिलेक्ट कर लूँगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे फोटो मतलब लेयर चेंज हुआ है, नाम जैसे कि आप लोग देखते हैं इसमें 13 लिखा हुआ है, इसमें मैं तेसर मतलब किसी और फोटो को ऐड कर लूँगा। फिर यहाँ पे 13, तो इसमें भी वही सेम फोटो को ऐड करूँगा जो से पहले मैंने ऐड किया है।
तो यही प्रोसेस है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको अपनी लास्ट तक सभी फ़ोटोज़ को ऐड कर लेना है, जैसे कि आप लोग दे सकते हो इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ, बस इसी प्रकार से आपको ऐड करना है। सो यहाँ पे आप लोग दे सकते हो गाइस इस प्रकार से, इसमें 14 है, इसमें 15 है, तो इसमें मैंने फ़ोटो चेंज नहीं किया है, फिलहाल मैं इसको फ़ोटो चेंज कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप लोग दे सकते हो, और लास्ट फ़ोटो 16 है, तो इसमें मैं यहाँ पे लास्ट फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ। इस प्रकार से आपको फ़ोटो ऐड कर लेना है। अब आपकी वीडियो कंप्लीट बनकर तैयार हो मतलब हो जाएगी इस प्रकार से। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ऊपर शेयर वाला आइकन पे क्लिक करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है अपनी क्वालिटी को सिलेक्ट करके। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखना।